जय हिंद प्यारे दोस्तों, लेकर के आ गए हैं एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों जैसे कि मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो समझो बाढ़ सी आ गई है, तो एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गया है और काफ़ी शानदार मॉडल आप देख रहे होंगे। यार कौन सी कंपनी का जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर इतना खूबसूरत, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भी एक बेहतरीन कंपनी है, इवोल्व सहारा इवोल्व्स की तरफ से जो है काफ़ी बेहतरीन मॉडल जो है आया है। और इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या क्या स्पीड रहने वाली है, वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसके टायर्स की बात कर लेते हैं। तो सामने जो टायर्स मिलता है आपको वो देख सकते हैं, ठीक है, ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ है दोस्तों, नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्राइस भी ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों कि जिस प्राइस रेंज में आता है डिस्क ब्रेक आपको जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो तगड़ा सा स्कूटर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी बढ़िया है और इसकी जो सीट है वो सीट आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल जो है सीट रहने वाली है। पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा दूँ तो पीछे की तरफ से जो लुक है कुछ इस तरीके का लुक जो है रहने वाला है। लाइट देखिए आप पीछे की लाइट जो है कितनी खूबसूरत जो है लाइट दिख रही है। अब इंडिकेटर अगर इसके ब्लिंक करने लगे तो क्या होगा, तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिकेटर अगर ब्लिंक करेंगे तो पीछे इसी टेल में जो है इंडिकेटर दे दिए गए हैं। अब अगले वाले इंडिकेटर मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर वाली जो लाइट है ये देख सकते हैं हेड में, ये इसका इंडिकेटर है। ये DRL जो है लैंप दिए गए हैं जो कि चार चांद लगा देता है इसकी खूबसूरती को। इसका जो दोस्तों कॉम्बिनेशन है वो देख सकते हैं, वाइट के साथ में जो ब्लू जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर जो है इस कंपनी में आ रहे हैं, आप जैसा कलर चाहें वैसा कलर आप मंगा सकते हैं। बाकी कलर के मामले में देखा जाए तो यही कलर जो है काफ़ी बेस्ट है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगता है ये कलर। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर्स की, तो दोस्तों इसकी मैं बता दूं जो मोटर हब है 800 वाट की जो है मोटर हब इसमें दी गई है। तो दोस्तों इसकी जो मोटर हब है वो 800 वाट की जो है मोटर हब इसमें दी गई है। मैं इसकी मोटर हब एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए पीछे वाले जो टायर हैं वह भी ट्यूबलेस टायर हैं और टायर जो हैं वह भी बढ़िया कंपनी के टायर जो हैं दिए गए हैं, ठीक है, जे के टायर्स हैं इसमें। और ये जो है आपका एक तरह से मड गार्ड कह सकते हैं, सेफ्टी गार्ड कह सकते हैं, ये लगाया गया है और ये फाइबर का है, टूटेगा नहीं दोस्तों, ये देख सकते हैं ना, ये टूटेगा नहीं, ये फाइबर का है क्योंकि यहाँ पर जो है ना फाइबर ही काम करता है। पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो देख सकते हैं पीछे की जो सस्पेंशन है काफ़ी बढ़िया है और अंदर भी मड गार्ड की सेफ्टी दी गई है, ये आप देख सकते हैं। तो जो प्राइस मैं बताऊँगा क्या है, बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी काफ़ी अच्छी है, जो हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं सेम क्वालिटी जो है इसमें दी गई है दोस्तों। अब आगे की तरफ आपको मैं सस्पेंशन दिखा दूं, तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो है देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। जैसे कि देखा होगा ओला में जो है एक ही मिलता था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दो आ गए हैं, अब तो ओला में भी काफ़ी प्राइस बढ़ा दिया गया है और उसमें भी जो है डबल सस्पेंशन वाला कुछ कर दिया गया है खेल। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्क ब्रेक है काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। पोस्ट बाइक का लोगो यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पर भी पोस्ट बाइक का जो है लोगो देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की, कि दोस्तों डिस्प्ले कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले जो है काफ़ी बड़ी डिस्प्ले दी गई है, ये देखिए आप, ठीक है, डिस्प्ले जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। एक चीज़ इसमें जो बढ़ गई है वो ये है कि यहाँ पर एक तो क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, तीन स्पीड मोड जो है वो तीन मिल जाते हैं, साथ ही साथ में पार्किंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम का जो ऑप्शन है लाइट के लिए वो मिल जाता है, ठीक है ये। बाकी आपको ये दिखा दें, ये रिवर्स का ऑप्शन है अगर बैक करना हो, अगर जैसे कि गर्ल्स चलाती हैं लेडीज़ चला रही हैं तो अगर बैक करने में समस्या आए तो ये रिवर्स का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं ये हाई बीम लो बीम का ऑप्शन दिया गया है, ये एक और दिया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इंडिकेटर जो है दोनों हजार्ड लैंप जो है हजार्ड लैंप वाला ऑप्शन इसमें मिलेगा, ठीक है। ये हॉर्न है, हॉर्न भी काफ़ी शानदार है, अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतना जानदार जो है मैंने हॉर्न नहीं देखा। एक चीज़ बहुत खास मिल जाती है इसमें देखने के लिए, ये वो है हैंगर। आजकल जो है सब स्कूटर जो है मिस कर दे रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इतने प्राइस में, यानी कि 74,000 का जो है रहने वाला है स्कूटर और 74,000 के प्राइस में जो है ये सब कुछ चीज़ें आपको मिल रही है। साथ ही साथ में एक यहाँ पर देख सकते हैं जगह मिल जाएगी, ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी गहरी है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी सामान जो है कैरी कर सकते हैं। आगे की तरफ ये एक ऑप्शन में है यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग का, यहाँ पर बिल्कुल कंजूसी नहीं की गई है मोबाइल चार्जिंग के लिए, आप यहाँ पर आप पिन लगाए और मोबाइल यहाँ रख सकते हैं चार्जिंग के लिए, यहाँ से निकल के भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये इतना
चीज़ें जो हैं दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ ये देख सकते हैं ये बंद हो जाएगा, ये ऑन ये हो जाएगा। अब डिस्प्ले देखिए आप, ठीक है, एक बार और दिखाऊँ, मैंने यहाँ से नीचे से बंद किया, अब ये ऑन किया, ये देखिए आप, ठीक है, रंग बिरंगी डिस्प्ले है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्पीड की रहने वाली क्या रहने वाली है। दोस्तों अगर मैं आपको पहली बात ये बता दूँ, नॉन रजिस्ट्रेशन वाला स्कूटर है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। बैटरी के ऑप्शंस यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1, 2, 3, ठीक है। ये पार्किंग में भी लगा हुआ है, पार्किंग वाला ये बटन जो है हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये ठीक है, ये पार्किंग मोड से जो है अपना शिफ्ट होकर के आ गया है यहाँ। अगर आप इसकी स्पीड आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ भी जाएगी, ठीक है, लेकिन आप नॉन रजिस्ट्रेशन में चलाना है आपको, तो जो है इसकी स्पीड जो है वही 50 के आसपास जो है निकलती है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर स्पीड कितनी दिखाएगा, ये देखिए फर्स्ट गियर में 25 की जो स्पीड है वो दिखा रहा है। आप सेकंड में दिखा देते हैं दोस्तों, सेकंड में भी 25 की स्पीड दिखा रहा है और थर्ड में भी जो है इसकी 25 की स्पीड जो है दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको चेक करा दूं पीछे की तरफ, ये 25 ये फर्स्ट गियर में लगा देता हूं मैं, ठीक है, ये आप देखिए फर्स्ट गियर में लगा दिया, उसके बाद मैं स्पीड चेक करा देता हूँ पीछे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये थर्ड वाला सेकंड वाला जो है ना, ये वाला, ये यहाँ पे चेंज हो गया ना, ये वाला चेंज हो गया ना सेकंड। अब इसके बाद स्पीड देखिए, देखिए पहले से कुछ ज़्यादा जो है वो घूमने लगा है, लेकिन स्पीड अभी 25 दिखा रहा है। दोस्तों यही चल रहा है आजकल स्कूटर में, आप जो है स्पीड भी इसकी बढ़ा सकते हैं, वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मेन बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो वो नॉन रजिस्ट्रेशन में जो है स्कूटर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, पुलिस वाले भी आपको नहीं रोक पाएंगे। बस ये है कि हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए, अगर आप बाहर निकल के जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। अब पीछे का जो ग्रिल दिया गया है ये पकड़ने के लिए, ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मजबूत है, ठीक है, ये देखिए। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आगे की तरफ जो मटेरियल है वो फाइबर के साथ में प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, यानी कि जो फिनिशिंग ग्लोसी फिनिशिंग जो दी गई है ना आगे, ठीक है, उसके साथ में जो है यहाँ पर यूज किया गया है फाइबर। तो कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यहीं से जो है आपका जो बैक है, पीछे सीट जो है ये ओपन होती है और यहीं से ये बंद होती है। तो दोस्तों अगर आपको बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, डिस्प्ले पर भी जो नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।